हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज हम आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आज कि आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन को बहुत तकलीफ देती हैं। ठीक है, आपकी कौन सी बातें इस पर्सन को बहुत पेन देती हैं, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, ऐसी कौन सी बातें हैं मेरे व्यूअर्स की जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को बहुत तकलीफ देती हैं, उनको परेशान करती हैं, प्लीज गाइड मी। साइलेंस, ओ माय गॉड, पहला कार्ड साइलेंस का आया है। क्या है जो उन्हें बहुत तकलीफ देता है? क्या बात है, खामोशी। दूसरा रीबर्थ का, ओके, वेरी डीप मैसेजेस। ये रीडिंग मैं यहीं से बोल देती हूँ आपको कि पूरी सुननी पड़ेगी, ठीक है ना, कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। हार्मनी, क्या तकलीफ देता है? पॉलिटिक्स, एग्जिस्टेंस, ओ माय गॉड, इनोसेंस, ओ गॉड, फाइटिंग, मोरालिटी, प्लेफुलनेस एंड सक्सेस, नथिंगनेस टावर। ओके डियर, काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, एंड तक जरूर सुनिएगा पूरी रीडिंग को। ऐसा क्या है जो आपके पर्सन को बहुत तकलीफ देता है? ठीक है, ऐसा क्या आपने किया हुआ है जो आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ देता है? ठीक है, जो उन्हें बहुत दर्द देता है। पहला कार्ड साइलेंस का आया, अब सोचिए ना क्या है जो बहुत दर्द देता है। ठीक है, साइलेंस बात करता है कि आपकी खामोशी इस पर्सन को बहुत तकलीफ देती है। ये कभी नहीं चाहते कि आप खामोश हों, ये चाहते हैं आप लड़ लें इनसे, 10 बातें सुना लें इनको। ठीक है, बट ये आपकी खामोशी को आई थिंक हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी हो गई है कि आप ये कहो मुझसे कि मैम, मैं मेरे पार्टनर में से 6 महीने बात नहीं की। ठीक है, तो अगर उन्होंने आपसे 6 महीने बात नहीं की तो आपने 6 महीने निकाल लिए, लेकिन अगर आप ये पर्सन बात करना चाहते हैं और अगर आप इनसे 6 महीने बात ना करें तो इस पर्सन की हालत खराब हो जाएगी। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई, इनको आपकी खामोशी बहुत तकलीफ देती है। ये कभी नहीं चाहते कि आप खामोश हो जाएं, ये कभी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में कभी खामोश रहें, क्योंकि नीचे इनोसेंस का कार्ड है। ठीक है, मैंने शायद कल की रीडिंग में ये बोला था, मैं तो रीडिंग करती जब तो जैसे मैसेजेस आते हैं तो मैं बोल देती हूँ। कल की रीडिंग में आई थिंक मैंने खामोशी को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था, कल की कार्ड रीडिंग में। ठीक है, आप देख सकते हैं, पता नहीं कौन सी रीडिंग थी, कल की शायद, आप शायद परसों की। इनोसेंस कार्ड बात कर रहा है कि आप इतने इनोसेंट व्यक्ति हैं, इतने इनोसेंट व्यक्ति हैं, और एक इनोसेंट व्यक्ति, एक यू नो इनोसेंट व्यक्ति जो होता है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा भोलापन या बचपना टाइप्स होता है। ठीक है, जो भी उसके मन में होता है वो साफ साफ बात बोल देता है। ठीक है, अब कोई मन में बात नहीं रखता है, ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर, बहुत भोला सा होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो काफी इनोसेंट हो और वो खामोश हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं टूटा हुआ है अंदर से, तकलीफ हुई है उसे। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी खामोशी से डरते हैं। मैंने ये बार कई बार बोली है कि आपका पर्सन कभी नहीं चाहता कि आप खामोश रहें, क्योंकि अगर आप खामोश हुए हैं इसका मतलब है कि आपको तकलीफ हुई है, और तकलीफ हुई है तो
इस पर्सन को वो चीज पसंद नहीं आती है, ठीक है, हालांकि इन्होंने दी हो सकती है आपको तकलीफ, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि आपको खामोश नहीं देख सकते, ठीक है, इनको इसी चीज इनसे मतलब जितनी तकलीफ आपको होगी किसी बात को लेकर तब आप खामोश हुए हैं, उससे कई ज्यादा तकलीफ इनको होती है आपको खामोश देखकर। अगर आप इनकी खामोशी की वजह है तब तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस पर्सन को, ठीक है, अगर वजह कोई और है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ही का पार्टनर है जो इस खामोशी की वजह है तो इस पर्सन को इस बात से बहुत तकलीफ होती है। आपकी खामोशी के कारण अगर आपका पर्सन है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपसे ज्यादा ही वो तकलीफ में है। दूसरा कार्ड है यहाँ रीबर्थ और फाइटिंग का। रीबर्थ कार्ड बात करता है कि यू नो ये पर्सन आपको जैसे आप हो ना वैसा ही देखना चाहते हैं, ये पर्सन कभी नहीं चाहते कि आपके अंदर कुछ भी बदलाव हो। रीबर्थ कार्ड बात करता है ऐसे इंसान की जिसके अंदर सब कुछ बदल गया हो, ठीक है, जिसका ऐसे लगा लग रहा हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हो गया, ठीक है, ये पर्सन आपके अंदर एक यू नो इस तरीके की एनर्जी नहीं देखना चाहते जहां पर प्यार से भरे थे, इनोसेंट से भरे थे, अब आप बहुत ज्यादा यू नो रूड हो गए हैं, बहुत ज्यादा आप ईगोस्टिक हो गए हैं। ये पर्सन आप जैसे हो ना ये आपको वैसा ही पसंद करते हैं, ये आपके अंदर कोई बदलाव देखना नहीं चाहते, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड बात करता है कि कोई भी बदलाव देखना नहीं चाहती, क्योंकि जनरली जब इंसान चोट खाता है तो वो सीखता है, वक्त उसे सिखाता है, और जब उसे वक्त सिखाता है तो वो स्मार्ट बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको मैंने ही अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि आप स्मार्ट बनिए, ठीक है, भोला होने का इनोसेंट होने का मतलब ये कदई नहीं होता है कि आप स्मार्ट नहीं है, ठीक है, यू नो स्मार्ट व्यक्ति कभी जरूरी नहीं कि स्मार्ट व्यक्ति है तो किसी के साथ गलत ही करेगा, आपको किसी के साथ गलत भी नहीं करना है, किसी का बुरा भी नहीं करना है और स्मार्ट भी बनना है। आपको ऐसे भी नहीं दिखाना है कि मैं तो इनोसेंट हूं मेरा फायदा उठा लो, ठीक है, ना ही आपको ऐसे सोचना है कि मैं यूजलेस हूं वर्थलेस हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप स्मार्ट बने हो, ठीक है, तो आपका हो सकता है कि समय परिवर्तन के साथ साथ आप में परिवर्तन हुआ है और आपका परिवर्तन इस पर्सन को उस तरीके से पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। पहले आप बहुत भोले थे, सब कुछ था, आप यू नो बहुत ही प्यारे से इंसान थे, अब आप बहुत स्मार्ट से हो गए, रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे आपके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, पहले आप बहुत ज्यादा झगड़े करते थे तो आप रुक गए हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं, जब तक उनको नहीं पता होता है, हीलिंग को नहीं जानते तब तक, अपनी गलतियों को नहीं मानते तब तक वो ट्रिगर होते हैं, उनके मन का काम नहीं होगा, वो ट्रिगर होंगे, चार बातें सुनाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, ठीक है, और बहुत यू नो फाइटिंग की एनर्जी निकल कर आई है, तो जैसे ये पर्सन आपकी फाइटिंग को भी मिस करते हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि रीबर्थ कार्ड के साथ ऐसा हो सकता है कि अब में से काफी सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं मौजूद जिन्होंने झगड़े करना बंद कर दिया अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, साइलेंस का कार्ड निकल कर आया है। हो सकता है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इस पर्सन से बहुत झगड़े करते थे, तुमने ये नहीं किया, तुमने इस चीज के लिए बोला था पर तुमने ये नहीं किया, तुम अपनी बात से पलट गए, ठीक है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ थी, क्या कर रही थी, कुछ ऐसी एनर्जी है, आप ऐसा करे हुए हो सकते हो पास्ट में, बट रीबर्थ के बाद कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आया है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जैसे जैसे आप हील हुए हो आपके अंदर एक शिफ्ट आया, एक मैच्योरिटी आई है, तो आपने चीजों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना सीख लिया है, ठीक है, अब आप यू नो बेताब नहीं होते, कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं तो 10 कॉल यहां से लगा दिए, कहां थे, क्यों नहीं मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, अब आपके अंदर पेशेंस आ गया, ठीक है, अगर नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं करता हूं, सो लाइक आपके अंदर कुछ ना कुछ बदला है, जो बदला है वो इस पर्सन को यू नो तकलीफ दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उस पर्सन को उस चीज के साथ कंफर्टेबल होने की अभी आदत नहीं है। आपका जो भी पार्टनर है वो अगर आपसे अभी बात करता है यू नो कम बात भी होती है, अगर आपकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भी बात होती है तो ये आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, जो ये चेंजेस देख रहे हैं क्योंकि हम तो करंट एनर्जीज पर रीड करते हैं, ये जो भी चेंजेस आपके अंदर देख रहे हैं वो इनको थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, हालांकि आपके अंदर अच्छे चेंजेस हैं लेकिन क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं तो यू नो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको मतलब आपको पूरी तरीके से बदलने में इस पर्सन का ये रोल है, ठीक है ना, क्योंकि आपको खामोश कर देना, आपको खुद से जोड़ देना, आपको ईश्वर से जोड़ देना, आपके गुस्से को शांत कर देना, आपके ये फाइटिंग का कार्ड गुस्से की बात करता है, आपके गुस्से को शांत कर देना, आपके मन पर आपको कंट्रोल करना सिखा देना, ठीक है, अब पहले की तरह बहुत सारे मैसेजेस नहीं करना, तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये सारी चीजें इस पर्सन को थोड़ा सा यू नो हर्ट कर रही हैं, ठीक है, आपके लिए तो बेटर है बट इस पर्सन को हर्ट कर रही हैं। यहाँ पर कार्ड आया है हार्मनी का, हार्मनी और मोरालिटी, ठीक है, एक तो पता है गाइज ये पर्सन आपको
इतना ज्यादा हीलिंग एनर्जी में देखते हैं, और फिर दूसरा मोरालिटी कार्ड बहुत समझदारी की बात भी करता है. तो हम ये रीडिंग कर रहे थे कि इस पर्सन को आप में क्या पसंद नहीं है. जैसे लग रहा है ये सब बता रहे हैं कि मुझे यू नो, हो सकता है कि ये सारी चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा हो गई. इस पर्सन को ये सब बहुत ज्यादा आप ऐसे लगने लगे इस पर्सन को समझदार एकदम ही, क्योंकि हार्मनी कार्ड बात करता है कि आप लोग जो हो, आप बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी में हो इस वक्त, और सबको हील करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत शांत हो गए हो. ठीक है, अगर ये पर्सन झगड़ा कर रहे हैं तो आप झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं हो. अगर ये पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं हो. अगर ये पर्सन आपको किसी चीज के लिए पोक कर रहे हैं, अगर ये आपको किसी चीज पर ट्रिगर कर रहे हैं तो आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो. आपका हर चीज में एक न्यूट्रल रिएक्शन आ रहा है, इसी को बोलते हैं हीलिंग. ठीक है ना, जब तक बेवजह, जब तक जरूरत ना हो तब तक रिएक्ट ना करना, उसी को हम हीलिंग बोलते हैं. कि खुद पर ऐसा, मन पर ऐसा काबू है इंसान का कि जब तक सामने वाला, जब तक कोई गलत बात नहीं हो रही है, जब तक ऐसा नहीं हो रहा है कि अब बोलना जरूरी है, तब तक अपने आप को कंट्रोल करना. ऐसे हीलर्स कर सकते हैं उस चीज को. तो मोरालिटी कार्ड बात करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा समझदारी आ गई है. ठीक है ना, और इस पर्सन को पता नहीं, शायद गिल्ट होता है. इनको ऐसा लगता है कि इनको इस तरीके, आपको इस तरीके से परिवर्तित करने में इस पर्सन का हाथ है. तो इस पर्सन को गिल्ट होता है कि उन्होंने आपको कैसा कर दिया, आप कैसे थे हंसते खेलते बच्चों जैसे प्लेफुलनेस की एनर्जी में, और इनकी पॉलिटिक्स ने आपको पूरा ही बदल के रख दिया, खामोश कर दिया. ठीक है, खुद से जोड़ दिया. अब इस पर्सन को इस चीज का आई थिंक गिल्ट है. ठीक है, आपके पार्टनर को इस चीज का गिल्ट है. जिनके भी पार्टनर उनसे बात करते हैं उनको इस चीज का गिल्ट है. ठीक है, कि आप बदल गए हो, और बदल गए हो कहीं ना कहीं इनके कारण, इनकी पॉलिटिक्स के कारण. क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स और प्लेफुलनेस का कार्ड है. ये पर्सन को ऐसी फीलिंग आती है कि आप इनकी पॉलिटिक्स, इनने जो भी किया आपके साथ उसने आपका बचपना छीन लिया. ठीक है ना, आपके अंदर का जो एक बच्चा था. ठीक है, आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा होता है. ठीक है, आपका जो चाइल्डिश बिहेवियर था उसको इस पर्सन ने खामोशी में चेंज किया है अपनी पॉलिटिक्स के द्वारा. तो ये चीज इस पर्सन को थोड़ी तकलीफ देती है. ठीक है, आपके लिए बेटर है क्योंकि आपके तो लेसन्स जुड़े हुए थे, आप मैच्योरिटी में आए हो, आप ईश्वर से जुड़े हो, तो आपका तो कल्याण ही हुआ है. लेकिन ये पर्सन थोड़े से गिल्ट में जाते हैं इस चीज की वजह से. इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये गलत किया है. ठीक है, यहां पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है. और क्या तकलीफ देता है आपके पर्सन को? आपके पर्सन को ये चीज भी तकलीफ देती है कि इन्होंने आपका महत्व क्यों नहीं समझा. ठीक है, आपने इनको महत्व क्यों नहीं समझा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनके लाइफ में उनके सामने दो ऑप्शंस होते हैं कि एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ पार्टनर है. तो आजकल क्या है, आजकल ट्रेंड है, लोग बाग बोलते हैं करियर सेट कर लो, पार्टनर तो मिल जाएगा. ठीक है, दोनों की ही इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह अलग अलग है. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं और पार्टनर मिल जाए. ठीक है, सक्सेसफुल होने के बाद आपको जो लोग मिलेंगे ना, वो आपकी सक्सेस से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपकी सक्सेस की तरफ, सक्सेस की वजह से आ रहे हैं. ठीक है, आपके नेम फेम की वजह से आ रहे हैं. जरूरी नहीं कि वो जेन्युइन लव हो आपका कोई भी. और अगर कोई पार्टनर है जो जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर जिसे आप नहीं चुन रहे हो, पहले करियर को चुन रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वैसा ही सेम पार्टनर आपको दोबारा मिले. ठीक है, तो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पर है. ठीक है, सो लोग बाग क्या करते हैं कि आज के टाइम में सक्सेस को चुनते हैं या फिर करियर को चुनते हैं. वो सोचते हैं कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और एक बड़े टारगेट को देखते हैं. ठीक है, वो भी सही है. ठीक है, वो भी सही है. लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई लव कनेक्शन है तो उसको सक्सेस से कंपेयर करके इग्नोर मत करिए कभी भी. ठीक है, उसको साथ में लेकर चलिए. अब हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ये चीज की हो आपके साथ कि उन्होंने सक्सेस को चुना, करियर को चुना, और आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं समझा. ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं वो आपकी लाइफ में अगर रहे, उसके बाद सोचिए कि आपकी सक्सेस एक यू नो 10 times नहीं 100 times से आगे बढ़ेगी. अगर वो पार्टनर जो भी आपको मिल रहा है वो सपोर्टिव पार्टनर है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके करियर में आपको बहुत आगे तक ले जाने में हेल्प करने के लिए तैयार है, तो आप समझ लीजिए कि जितना आप सक्सेसफुल अपने आप को बनाना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको खुश भी रखेगा. ठीक है, लेकिन इंसान करियर और कनेक्शन में, करियर को इम्पोर्टेंस देता है. ठीक है, और सोचता है कि करियर बन जाएगा तो कनेक्शन आ जाएगा. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पॉसिबल हो. ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की अपनी एक अलग जगह होती है, कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता है. जो जिस चीज की जगह है वो उसको कोई भर नहीं सकता है. ठीक है, सिर्फ
समय के साथ आप उस चीज के साथ एडजस्ट कर सकते हो कि ठीक है कोई ऑप्शन नहीं है तो एडजस्ट करना है, लेकिन उस चीज को भर नहीं सकता है खुशी से, तो कोई नहीं भर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पर सक्सेस और एग्जिस्टेंस इसी चीज की बात करते हैं कि आपके पर्सन ने हो सकता है सक्सेस को चुना हो, आपकी एग्जिस्टेंस को महत्व ना दिया हो, लेकिन या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाइस वर्सा मैसेज भी आया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपको आपके पर्सन को क्या तकलीफ देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने सक्सेस और कनेक्शन में सक्सेस को चुना या फिर करियर को चुना, आपके पार्टनर को नहीं चुना, उनकी एग्जिस्टेंस को नहीं चुना, ठीक है, तो जो इनको तकलीफ देता है, ठीक है, ये वर्सन कुछ लोगों के लिए ये जो मैसेज है वो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने ही ऐसा कुछ किया है, आपने ही नेम फेम या करियर को इतनी प्रायोरिटी दी कि आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया, इनकी एग्जिस्टेंस को अपनी लाइफ में इग्नोर कर दिया, इनको साथ में लेकर आप नहीं चले, ठीक है, या फिर इनको आपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, ठीक है, ये वाइस वर्सा भी मैसेज निकल कर आया है। ये सारी चीजें हैं जो इस पर्सन को इस वक्त में आपसे रिलेटेड तकलीफ दे रही हैं। एक तो आपका बहुत ज्यादा बदल जाना, दूसरा आपका अपनी बहुत ज्यादा समझदार हो जाना, यानी बचपने को बिल्कुल छोड़ ही देना, तीसरा यहाँ पर अपनी सक्सेस के चलते इस पर्सन की एग्जिस्टेंस को ना समझना, अपनी इनोसेंस को पूरी तरीके से खो देना, हमेशा के लिए शांत हो जाना, बहुत ज्यादा बड़ों की तरह व्यवहार करना, बहुत ही ज्यादा ऐसा बिहेवियर देना कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा आप जानने लगे हैं, ठीक है, ज्ञानवान व्यक्तियों की तरह ज्ञान देना। तो ये सारी चीजें इस पर्सन को थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा हर्ट कर रही हैं, ठीक है, ओके, ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। सो गाइज, आपसे कितना रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू गाइज।